का देश है और आज एक युवा नेता हमारे साथ मौजूद है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ युवा जो है वो आकर्षित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा योगदान जो है वो उनका भी रहा है और कुछ बयान जो जम्मू कश्मीर की सियासत में वो गहमा गहमी बनाए हुए हैं उन्हीं बयानों पर आज इनका रिएक्शन जाने के मेरे साथ मौजूद है विकास चौधरी जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, फारूक जो अब्दुल्ला है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, आपका जी? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी की जो भी स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा हर गरीब व्यक्ति को मिला है, ना कि उसका धर्म और जाति पूछकर ऐसा किया गया है। अभी 3 तलाक के मुद्दे पे आपने देखा होगा कैसे मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी जी अग्रेसर हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है? हर गरीब माँ को जब गैस का चूल्हा दिया गया तो उनसे उनकी जात और उनका धर्म पूछ के नहीं दिया गया। जब आयुष्मान भारत के तहत किसी गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए पैसा मिलता है वो उनका धर्म पूछ कर नहीं दिया जाता, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फारूक साहब को अब अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है इसलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, जब जम्मू में जाते हैं तो दूसरा राग अलाते हैं, जब कश्मीर में जाते हैं तो उनके बयान बदल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान के स्टूत की तरह पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि देश की अखंडता को भंग करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। उन्होंने एक और बात कही कि चंद लोगों को जो है वो खरीदा है भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में, लेकिन कश्मीर के आवाम को नहीं खरीदा। मैम ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कश्मीर में भी हम जा रहे हैं, हमारे कारपोरेटर वहाँ पे है, सरपंच वहाँ पे है, हमारे समर्थित मेयर वहाँ पे है, तो उनको लग रहा है कि जो उनका आधार था, जो उनका वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। आप हमेशा एक आइडल मानते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर नेता पंडित प्रेमलाल डोगरा जी, लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो मूर्ति की स्थिति है वो सर सही नहीं है, आपके मेयर हैं, आपकी डिप्टी मेयर है, तो कब तक जो है वो स्थिति ठीक हो जाएगी? जी मैम कल ही युवा मोर्चा ने यहाँ पे, मैं स्वयं सुबह यहाँ पे 8 बजे उठ के आया था और हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ सफाई अभियान भी चलाया था। आपने देखा होगा यहाँ पे इतना पॉलीथिन इतना कचरा था, आज आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, ये हमने स्वयं किया था। और मैं ये भी चाहूँगा कि अभी हमारे मेयर डेप्यूटी मेयर अभी रिसेंटली ही वो बने हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्थिति परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। हमसे बात करने के लिए तो ये थे विकास चौधरी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं वो खलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं और कश्मीर की राजनीति किस तरफ जा रही है, आए दिन बयान आते हैं, कभी राम मंदिर पे बयान आता है, कभी 3 तलाक पे बयान आता है, महबूबा मुफ्ती अपने बयान देती हैं और फारूक अब्दुल्ला अपने बयान देते हैं, और यहाँ तक ही नहीं उमर अब्दुल्ला ने तो ये भी कह दिया कि बेरोजगारी के कारण कश्मीर के युवक जो है वो हथियार उठा रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है इस तरह के बयान जो है वो कहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर जाएंगे, क्या जनता बयानों पे विश्वास करेगी या फिर जनता जो है वो नीतियों पर विश्वास करेगी? ऐसे एक ताज़ा अपडेट के लिए मैं सोच रही देख रही हूँ, इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जॉनी के साथ मैं रूहानी, आपसे दलित नमस्कार।